नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आप देख रहे हैं इंडिया 360 डिग्री, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन ऑल आउट और तेज हो गया है। कुलगाम में सेना ने आज फिर लश्कर के दो आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये, लश्कर का ये कमांडर है जिसे सेना ने मार गिराया है। ये बड़ी कामयाबी सेना ने यहां हासिल की है। पुलवामा में लश्कर का बड़ा आतंकवादी ढेर कर दिया गया है। सीज फायर खत्म होने के बाद से सेना लगातार घाटी में ऑपरेशन क्लीन चलाते हैं, और ऐसे में आतंकवादियों को मार गिराने की इस मुहिम में यह बड़ी कामयाबी सेना ने हासिल की है, जहां पर लश्कर के कमांडर को मार गिराया है। आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन ऑल आउट और तेज हो गया है। कुलगाम में सेना ने आज फिर लश्कर के दो आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन कश्मीर घाटी में अभी भी 250 जिंदा बम घूम रहे हैं। दूसरी तरफ एलओसी पर घुसपैठ के लिए आतंकवादियों की घाटी में आतंकियों के सफाये के लिए सेना और सुरक्षा बलों के जवान एक सेकंड का भी दम नहीं ले रहे हैं। कश्मीर के दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। राज्यपाल शासन में आतंकी सेना और सुरक्षा बलों की गोलियों का निशाना बन रहे हैं। कश्मीर में 250 जिंदा बम। लेफ्टिनेंट जनरल एके भट्ट ने खुलासा किया है कि कश्मीर घाटी में अभी भी 250 से ज्यादा आतंकी सक्रिय हैं, मतलब घाटी में अभी भी 250 से अधिक चलते फिरते बम घूम रहे हैं। सर, वैली में अभी कितने मिलिटेंट्स मौजूद होंगे सर, पूरे वैली में? सर, वैली में करीब 250 और 275 के बीच में। लेफ्टिनेंट जनरल भट्ट का कहना है कि आतंकियों की कई पलटने एलओसी के पास मौजूद हैं। पीओके में लॉन्चिंग पैड पर मौजूद करीब 200 से ज्यादा आतंकी घाटी में घुसपैठ की फिराक में हैं। 15 कोर के सामने होगा तो करीब 250 से 270 अलग अलग 25 और 30 के ग्रुप में अलग अलग लॉन्च पैड में। कश्मीर घाटी में खून खराबे के लिए सरहद पर बैठे आतंकी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। अनंतनाग में इस्लामिक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के चार आतंकियों के मारे जाने के बाद से घाटी में एक तरह से आईएसआईएस का सफाया हो गया है। आतंकियों के सफाई के लिए एनएसजी की भी मदद ली जा रही है। हाल में सेना ने आतंकियों की एक हिटलिस्ट तैयार की है, जिसमें 21 आतंकियों के नाम है। इनमें से एक का काम तमाम हो चुका है, बाकियों की तलाश जारी है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। बढ़ते आगे, हाई प्रोफाइल मर्डर केस जिसमें मेजर अमित की पत्नी की हत्या हुई है, उस पर दिल्ली पुलिस इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आपको बता दें जिसमें मेजर साहब साइड इनकी थी, इनकी वाइफ के साथ इनको ज़्यादा डिटेल्स में जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने पूरा शक जाहिर किया। हमने जो है कॉल डिटेल्स निकाली शैलजा की भी और निखिल राय हांडा की भी, तो हमें पता लगा कि वो बहुत जो है निखिल राय हांडा की तरफ से शैलजा को बहुत सारे जो हैं कॉल किए गए हैं, जरूरत से ज़्यादा कॉल किए गए थे, इसलिए हमारा जो शक है वो निखिल राय हांडा पे और हुआ। निखिल राय हांडा को जब ढूंढने की कोशिश की तो पता लगा कि वो अब्सकॉन्ड कर रहा है। वो उसके एड्रेस पे जब पुलिस टीम भेजी गई जो दिल्ली में था, जो एड्रेस उन्होंने यहाँ दे रखा था बेस हॉस्पिटल में, वहाँ से वो नहीं मिले। बेस हॉस्पिटल में ये जो है निखिल राय हांडा अपने इलाज के लिए, माइग्रेन इलाज और अपने बच्चे के इलाज के लिए यहाँ उन्होंने अपने आप को एडमिट करवा रखा था, लेकिन वो दिल्ली साउथ दिल्ली में साकेत में उनका कहीं घर है, वहाँ रह रहे थे। वहाँ पे हमें ये नहीं मिलते हैं, तो इन पे और शक हुआ, इनको कांटेक्ट करने का प्रयास हुआ। इन्होंने तमाम प्रकार के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे अपने आप को दूर कर लिया, और किसी से भी कॉन्टैक्ट इन्होंने जो है इवन अपने फैमिली मेम्बर से भी कॉन्टैक्ट बंद कर दिया, तो इन पे शक पूरा हो गया। उसके बाद कॉल डिटेल्स का एनालिसिस हुआ, हमने हमारे जो बाकी पूछताछ हुई बेस हॉस्पिटल के आसपास पूछताछ हुई, अमित से भी और पूछताछ हुई, तो कंफर्म हो गया कि कहीं ना कहीं निखिल राय हांडा का इसमें पूरा जो है वो शरीक हैं और उन्होंने ये वारदात की है। इन बिटवीन हमें कुछ सीसीटीवी फुटेजेस मिले, उन सीसीटीवी फुटेजेस में एक गाड़ी जो होंडा सिटी जैसी गाड़ी हमें दिखाई दी, ये दिल्ली कैंट के जो है वो सीसीटीवी फुटेजेस थे। उसमें एक ही आदमी दिखाई दे रहा है और उस गाड़ी का मूवमेंट वहाँ एक बार से ज़्यादा देखा गया। होंडा सिटी निखिल राय हांडा के पास भी थी, तो शक है वो पूरा हो गया कि इसी गाड़ी का शायद इस्तेमाल हुआ है।
उसके बाद और जानकारी ली तो पता लगा कि ये काफ़ी कॉन्टैक्ट में थे और इन्होंने ही जो है सुबह कॉल्स की हुई थी, इन्होंने निखिल राय हांडा ने लड़की को उसको बुलाया था और उसके बाद उनका करीबन 1:15 बजे तक ये एक सेम लोकेशन में हैं और उसमें निखिल राय हांडा की ओर से जो है कुछ कॉल्स भी हैं, कुछ और कॉल्स भी की गई थी। निखिल राय हांडा के लिए हमने रात भर बहुत सारी जगह पे हमारी टीम्स ने रेड की, उनका जो मूवमेंट है उनको हमने ट्रैक किया। हालांकि वो अपने सारे मोबाइल स्विच ऑफ कर रहे थे बीच में, लेकिन वो कभी कभी जो है अपना व्हाट्सएप कॉलिंग वगैरह का उन्होंने इस्तेमाल किया। उस मोमेंट को हमने ट्रैक कर लिया, थोड़ा हेल्प हमें ह्यूमन एंड से हुई और टेक्निकल एंड से हुई, तो पता चला कि ये शायद मेरठ की ओर गए हैं। हमें बीच में टॉल पे सीसीटीवी फुटेजेस मिले कि इस गाड़ी का मूवमेंट वहाँ है, वो सीसीटीवी फुटेज में अच्छे से कवर हुआ है। उसके बाद हमारी टीम जो है मेरठ में हमारी 2 से ज़्यादा टीमें थी वहाँ पे और हमारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो है फिर इनको करीबन 1 बजे के आसपास हमने वहाँ से इनको स्पॉट किया गाड़ी को। हमें गाड़ी एक जगह दिखती है, उसके थोड़ी देर बाद ये खुद भी दिख जाते हैं। इनको हमने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला, थोड़ा सा रेसिस्ट किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद इनको हमारी टीम लेके दिल्ली आई है। इनके पूछताछ कर ली गई है, इन्होंने पूरी सीक्वेंस जो हमें बताई है। इनके मोटिव जो था, ये इस जो विक्टिम है इससे करीब 2015 से जानते हैं, 2017 में ये दीमापुर में पोस्टेड थे, तब अमित द्विवेदी और उसकी फैमिली भी वहीं पोस्टेड थी, वहाँ से इनके संबंध हैं और संबंध काफ़ी थे पिछले 2-3 साल से। ये जो है इनका निखिल राय हांडा काफ़ी ऑब्सेसिव हो गए थे लड़की के लिए, उनको काफ़ी वो प्रेशराइज कर रहे थे। मेजर अमित शायद यूएन जाने वाले थे, कॉन्गो में उनकी जो यूनिट जा रही थी, पीछे से जो है ये काफ़ी ऑब्सेसिव हो गए, शादी करने जैसी बात जो है विक्टिम के साथ कर रहे थे। विक्टिम हालांकि इनसे दोस्ती थी, लेकिन वो एक वो शादी जैसी स्थिति पर पहुँचने की सिचुएशन में नहीं थी। ये गाड़ी में बैठते हैं, जब इनको इनका झगड़ा होता है काफ़ी, और उस झगड़े में इन्होंने चाकू से जो है वो उनके गले पे मारा। उसके बाद इस लेडी को उन्होंने नीचे धक्का दिया, लेडी गिर जाती हैं और उन्होंने गाड़ी को रन ओवर किया है, जिसमें वो उनके बॉडी के कुछ हिस्सों पे से गाड़ी होती हुई निकली है, जिसकी वजह से उनकी वहीं मौके पर डेथ हो गई थी। अभी तक एविडेंस में हमारे पास हमारे पास गाड़ी मिली है उसमें तमाम तरीके के फिजिकल और दूसरे एविडेंसेस हैं, उसमें ब्लड मिला है, टायरों पे ब्लड के निशान हैं और गाड़ी की बहुत सारी अन्य जगह पे भी बहुत सारी चीज़ें हमारी एफएसएल की टीम अभी कलेक्ट कर रही है। अभी उसका इंस्पेक्शन चल रहा है, मौके का भी कल इंस्पेक्शन हो गया था, वहाँ के एविडेंस भी गाड़ी के एविडेंस से मैच कर रहे हैं। लड़की का मोबाइल अभी रिकवर करना बाकी है, जिसको लेकर के अक्यूज को लेकर के हमारी टीम ऑलरेडी जहाँ से मोबाइल रिकवर होना वहाँ पहुंच गई है और वहां से जल्दी बाकी और सामान भी है रिकवर कर लिया जाएगा। सर मतलब कि निखिल शैलजा से शादी करना चाहता था, इसका दबाव बना रहा था। निखिल एकदम ऑब्सेसिव था शैलजा के लेकर के और ये उस पर कंटिन्यूस जो है प्रयास कर रहा था, इसलिए चूँकि अमित यहाँ पे एडमिट कराया था अपनी वाइफ को, उनके पाँव में कुछ फिजियोथेरेपी की ज़रूरत थी, तो इसने उससे मिलने के लिए दीमापुर से ही आया 2 तारीख को और अपना एडमिशन करवाया सेम हॉस्पिटल में अपने आप माइग्रेन के रीजन से, और साथ ही अपने बच्चे का भी कराया था कि वो यहाँ रहे, उसके पास रहे और उसे मिलने की पूरी कोशिश करे। कंटिन्यूस बातें हैं इनकी, 1 हद से ज़्यादा बातें आपस में ये कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो है निखिल जो है हमेशा जो है पाया गया कि वो ज़्यादा कॉल कर रहा है लड़की को। सर अमित जो मेजर अमित हैं, क्या ये विरोध करते थे इस बात का, क्या उन्हें पता चल चुकी थी सारी? मेजर अमित ने इनको एक बार वीडियो कॉलिंग। ये मेजर अमित द्विवेदी की पत्नी शैलजा द्विवेदी का वीडियो है। शैलजा द्विवेदी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी के रंग देखिए। वो गोल्फ खेलती थी, वो योगा करती थी, उन्हें मॉडलिंग पसंद थी, वो मैसर्थ प्रतियोगिता में फाइनलिस्ट रह चुकी थी। जिंदगी में सब कुछ था, खुशियां, रुतबा, 6 साल का एक बेटा, अफसर पति और एक शानदार जिंदगी। लेकिन एकाएक खबर मिली कि शैलजा की उसी खुशहाल जिंदगी को खत्म कर दिया गया है। शैलजा का कत्ल हुआ था, शैलजा का गला बेदर्दी से काटा गया और कत्ल के बाद
उसके शव को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि मेजर अमित द्विवेदी की पत्नी का हत्यारा कौन है, किसने किया मेजर अमित द्विवेदी की पत्नी शैलजा का कत्ल, और पुलिस ने इन सवालों के जवाब 24 घंटे के अंदर ही खोज निकाला। मेजर अमित द्विवेदी की पत्नी शैलजा के कत्ल के आरोप में दिल्ली पुलिस ने मेजर निखिल हांडा को गिरफ्तार कर लिया है। मेजर हांडा को मेरठ के दौराला से गिरफ्तार किया गया। मेजर निखिल हांडा की तलाश में पुलिस की 6 टीमें कल से दिन रात एक किए हुए थी। पुलिस के सामने एक हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री थी जिसे पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस के मुताबिक निखिल हांडा ही वो आदमी था जो मेजर की पत्नी से मिलने बेस कैंप के अस्पताल पहुंचा था। निखिल हांडा ही वो आदमी था जिसके साथ मेजर की पत्नी आखिरी बार देखी गई थी। मेजर निखिल हांडा ही वो आदमी था जिसके साथ मेजर की पत्नी अस्पताल से बाहर निकली थी। महज 24 घंटे के अंदर पुलिस ने शैलजा के ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाकर आरोपी मेजर को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरामैन प्रताप सोयन और अनुज मिश्रा के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। मेजर अमित की पत्नी सही सलामत अस्पताल पहुंची थी लेकिन लौटा उनका शव। मेजर अमित के लिए यह पहाड़ टूटने जैसा था, मगर सवाल यह था कि मेजर अमित की पत्नी का कत्ल कोई क्यों करेगा? मर्डर के पीछे का सच क्या है? ये रिपोर्ट देखिए। दिन शनिवार, समय सुबह 10 बजे। हंसती खेलती जिंदगी के खत्म हो जाने की कहानी शनिवार सुबह 10 बजे से ही शुरू होती है। सुबह 10 बजे मेजर अमित द्विवेदी की पत्नी घर से आर्मी अस्पताल के लिए निकली थी घुटने का इलाज कराने के लिए। इधर दोपहर में दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि कैंट मेट्रो स्टेशन के पास एक महिला का शव पड़ा है। महिला की हत्या गला काट कर की गई है और उसके शव पर गाड़ी भी चढ़ाई गई है। उधर बीबी के घर न पहुंचने पर मेजर अमित द्विवेदी परेशान थे। परेशान होकर अमित द्विवेदी थाने पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी शैलजा द्विवेदी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें मृतक महिला की तस्वीर दिखाई तो उनके होश उड़ गए और फिर शुरू हुई मर्डर की गुत्थी सुलझाने की कोशिश। पुलिस सबसे पहले उसी कैंट अस्पताल पहुंची जहां मेजर अमित द्विवेदी की पत्नी घुटने का इलाज कराने के लिए पहुंची थी। पुलिस ने अस्पताल की सीसीटीवी तस्वीरें निकलवाई। अस्पताल से शैलजा द्विवेदी और निखिल हांडा दोनों होंडा सिटी कार में सवार होकर निकले। बताया जा रहा है कि इसी होंडा सिटी कार में ही शैलजा को मौत के घाट उतारा गया और इसी होंडा सिटी कार से शैलजा को कुचला भी गया। पुलिस की जांच के मुताबिक शुरुआती जानकारी में हत्या की वजह प्रेम प्रसंग है, क्योंकि जब अमित द्विवेदी दीमापुर में तैनात थे उसी वक्त मेजर निखिल हांडा भी दीमापुर में था। शैलजा का मोबाइल जो बता रहा था, अस्पताल में सीसीटीवी तस्वीरें जो बता रही थी, मेजर अमित द्विवेदी जो बता रहे थे, उन सब का मतलब ये था कि पहली नजर में कत्ल का आरोपी मेजर निखिल हांडा ही है। लिहाजा पुलिस ने हांडा की कार होंडा सिटी को तलाशने की पुरजोर कोशिश की। शैलजा के कत्ल की तफ्तीश में जुटी पुलिस को पता लगा कि कातिल होंडा सिटी कार में ही घूम रहा है जिस कार का इस्तेमाल कत्ल में किया गया था। पुलिस को सुराग मिला कि यह होंडा सिटी कार मेरठ के आसपास देखी गई है। इसके बाद तफ्तीश में जुटी पुलिस की 6 टीमें मेरठ के लिए रवाना हुई और मेरठ से आरोपी कातिल मेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब मेजर हांडा ही बताएगा कि उसने अमित द्विवेदी के हंसते खेलते परिवार में जमाने भर का दर्द क्यों भर लिया। अमित हांडा ही बताएगा कि उसने शैलजा द्विवेदी की हत्या क्यों की। अनुज मिश्रा के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। महाराष्ट्र सरकार ने प्लास्टिक पर बैन लगाने का फैसला लागू कर दिया है। यानी अब महाराष्ट्र में अगर प्लास्टिक के साथ दिखेंगे तो जुर्माना देना होगा और अगर उससे भी नहीं माने तो जेल जाना तय है। बाजार गए, सब्जी खरीदी, दूध लिया, राशन लिया और प्लास्टिक में डालकर निकल पड़े घर की तरफ। लेकिन ठहरिए, अब महाराष्ट्र में प्लास्टिक के दिन पूरे हुए। महाराष्ट्र में शनिवार से प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लग गई है। अब किसी भी प्रकार के प्लास्टिक के इस्तेमाल, भंडारण या उत्पादन करते पाए जाने पर जुर्माना ठोका जाएगा।
नियम लागू होने के बाद महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अफसरों की टीम ने छापेमारी शुरू कर दी। प्लास्टिक की दुकान पर जुर्माना ठोका गया। कार्रवाई की गई है और लगभग 20,000 रुपये का उनके पास से फाइन वसूल किया गया है। तो हमारी तरफ से कोल्हापुर महापालिका के ओर से सभी दुकानदारों को विनंती है कि उन्होंने प्लास्टिक का वापर न करते हुए अपनी कपड़े इस्तेमाल कीजिए। नियम के मुताबिक अब कोई प्लास्टिक का इस्तेमाल करता पाया गया तो पहली बार 5,000 का जुर्माना देना होगा, दूसरी बार पकड़े गए तो 10,000 की रकम चुकानी होगी और तीसरी बार धरे गए तो 25,000 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। इधर प्लास्टिक बैन पर राजनीति भी शुरू हो गई है। राज ठाकरे की पार्टी MNS इस बैन के विरोध में उतर आई। जबकि BJP समेत बॉलीवुड के लोगों ने इस फैसले को सही बताया है। क्या वाटरप्रूफ बैग्स का नियोजन इस सरकार ने किया है और अगर किया है तो वो कहाँ किया है ये वो जनता को बताएं। सिर्फ लोगों को फाइन मार के अपना रेवेन्यू कलेक्ट करने की तैयारी की है या लोगों को पर्याय सुविधा उपलब्ध करने की तैयारी। और पर्यावरण के दृष्टि से ये बहुत ही सशक्त और एक अच्छा कदम है। ये जो हमने निर्णय लिया है ये निर्णय समाज के हित में है, पर्यावरण के हित में है। राजनीति अपनी जगह, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि प्लास्टिक बैन से पर्यावरण के हालात सुधरेंगे। कम से कम मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र के गटर अब प्लास्टिक की वजह से जाम नहीं होंगे। आज तक ब्यूरो। दिल्ली से हरियाणा का सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। करीब करीब 12 किलोमीटर लंबे मुंडका बहादुरगढ़ मेट्रो कॉरिडोर की शुरुआत हो गई। इस सेक्शन के खुलते ही पड़ोसी राज्य हरियाणा का तीसरा शहर दिल्ली मेट्रो से जुड़ गया है। इधर प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई, उधर मुंडका से बहादुरगढ़ की तरफ मेट्रो ने रफ्तार पकड़ ली। हरियाणा से दिल्ली को जोड़ने वाला ये तीसरा मेट्रो सेक्शन है। इससे पहले येलो लाइन पर हुडा सिटी सेंटर और वायलेट लाइन पर स्कॉट मुजेसर से जुड़ चुकी है। दिल्ली से हरियाणा अब और भी करीब हो गया है। दिल्ली को बहादुरगढ़ हरियाणा से जोड़ने वाली मेट्रो लाइन का इनॉग्रेशन हुआ है। CM खट्टर ने और साथ ही केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यहां पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका इनॉग्रेशन किया। बहादुरगढ़ पश्चिमी दिल्ली के बॉर्डर इलाके से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण इलाका है। यहाँ कई इंडस्ट्रियल यूनिट भी है, आबादी भी अच्छी खासी है। जाहिर है मेट्रो लाइन के शुरू होने से लोगों को फायदा होगा, टाइम की बचत होगी। जो भी बच्चे कॉलेज जाते हैं, नौकरी वाले हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। एम्प्लॉइज जो हैं हरियाणा से दिल्ली में बहुत ज्यादा जाते हैं, उनको बहुत बेनिफिट होगा। इस मेट्रो ट्रेन चलने से बहुत ज्यादा मदद होगी, ना केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि जो रोजमर्रा के हजारों लाखों लोग यहाँ से दिल्ली के लिए जाते हैं उनके लिए एक सुविधाजनक आरामदायक सफर तय करने का मौका मिला है। मुंडका से बहादुरगढ़ के बीच 7 स्टेशन होंगे। मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया, घेवरा मेट्रो स्टेशन, टीकरी कला, टीकरी बॉर्डर, मॉडर्न इंडस्ट्रियल एस्टेट, बस स्टैंड और सिटी पार्क शामिल है। मुंडका से बहादुरगढ़ तक विस्तार से दिल्ली मेट्रो का पूरा नेटवर्क अब बढ़कर 288 किलोमीटर का हो जाएगा। अभी भी दिल्ली NCR के कई सेक्शन में काम जारी है। अंकित यादव, दिल्ली आज तक। इसी के साथ इंडिया 360 में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।